एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत असरदार कहावत है मेरे दोस्त कि जिंदगी हर किसी को मौका देती है। जो लोग उस मौका को समझते हैं और उसको सही ढंग से उपयोग करते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। लेकिन जो उस मौका को नहीं समझता है वो हमेशा जिंदगी से शिकायत करते रहता है, हमेशा अगले मौका के तलाश के इंतजार में रहता है कि कब मुझे अगला मौका मिलेगा, कब मुझे अगला मौका मिलेगा, और हमेशा यही कहते रहता है कि जिंदगी ने मुझे मौका नहीं दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश मनी और आपके लिए हर शनिवार की भांति इस शनिवार भी एक ऐसा स्टोरी लेकर आया हूं कि अगर आप इस स्टोरी को अगर अंत तक सही ढंग से सुनिएगा, इसका मतलब समझिएगा, तो आपको हर एक परिस्थिति से लड़ने का शक्ति आपके अंदर आ जाएगा, आप कभी भी जिंदगी से शिकायत नहीं करेंगे। यह स्टोरी एक ऐसे साधु की है जो भगवान का बहुत ही अधिक पूजा करता था, दिन रात पूजा करता था, बहुत तपस्या करता था। और एक समय की बात है कि जिस गांव में साधु मंदिर में रहकर पूजा करता था भगवान का, उस गांव में महामारी फैला, कोरोना वायरस नाम का महामारी पूरे गांव में फैल गया। तो बहुत सारे गांव के लोग गांव छोड़कर जाने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि अगर मैं यहां से नहीं जाऊंगा तो शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी, और बहुत सारे लोग गांव छोड़कर जाने लगे। ऐसे में जो गांव का मुखिया था वो साधु से बोला कि बाबा आप भी चलिए, अगर आप नहीं यहां से चलेंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा और शायद आपकी मृत्यु हो जाए। तो उस साधु ने कहा, नहीं, मैं भगवान का बहुत ही पूजा किया हूं, भगवान मेरी मदद करेंगे, भगवान खुद आकर मेरी मदद करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान मेरी मदद ना करे, क्योंकि मैंने भगवान को बहुत पूजा किया है। अंत में मुखिया उस गांव को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि साधु जाता नहीं है, मुखिया को अपनी जिंदगी का चिंता होता है, तो मुखिया छोड़कर चला जाता है उस गांव को। कुछ समय के बाद और भी वहां पे कोरोना का असर बहुत ज्यादा फैल गया, महामारी फैल रही थी। तो कुछ समय के बाद उस गांव में मेडिकल टीम वाले लोग जो रेस्क्यू करते हैं, लोगों को निकालते हैं फंसे हुए लोगों को, वो उस गांव में चलते हुए किसी तरीके से आ गए, ये देखने के लिए कि कहीं उस गांव में और भी कोई तो ऐसा लोग नहीं है जो उस गांव में फंसा हुआ है। तो उसने देखा कि वहां साधु है, उसने कहा बाबा आप यहां से चलिए, अगर आप यहां से नहीं चलेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। साधु ने वही जवाब दिया कि मैं भगवान का बहुत पूजा करता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमें मृत्यु दे दे या भगवान हमारी मदद ना करे, अगर ऐसा है तो भगवान हमें खुद आकर मदद करेंगे। अंत में मेडिकल टीम भी परेशान होकर साधु को छोड़कर वहां से चला गया। कुछ समय और बीता, महामारी बहुत ही अधिक फैल चुका था, चरम सीमा पे पहुंच चुका था, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम आ रहा था लोगों को देखने के लिए कि कहीं गांव में लोग वगैरह फंसे हुए तो नहीं है जिनको मैं निकाल सकूं। तो उसने देखा हेलीकॉप्टर से कि मंदिर में एक साधु है जो भगवान का पूजा कर रहा है। हेलीकॉप्टर से लोग उतरे, उसने बोला साधु को कि बाबा आप चलो, अगर आप यहां रहोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाओगे। और साधु ने फिर से वही जवाब दिया, भगवान हमारी मदद करने खुद आएंगे, अगर मैं भगवान का पूजा करता हूं तो भगवान हमारी मदद करने खुद आएंगे। अंत में हेलीकॉप्टर भी चला गया और वो साधु उस गांव में अकेला रह गया। वायरस इतना अधिक फैल चुका था, महामारी इतना अधिक फैल चुका था कि साधु को भी एक दिन मरना पड़ा। और साधु कुछ ही समय के बाद जब उसे बीमारी हुआ तो साधु मर गया। साधु मरा तो भगवान के पास गया, उसने भगवान से बोला बहुत गुस्से से, भगवान मैंने आपकी इतना पूजा किया, आपको मैंने इतना पूजा किया, हर दिन पूजा किया, आपको मैंने सबसे बड़ा माना, और मैं आशा करते रहा कि आप मुझे बचाने आएंगे महामारी से, आपने तो मुझे बचाया ही नहीं, आपने तो मुझे मदद करने के लिए आप आए ही नहीं। तब भगवान बोले कि मैं तो बहुत बार तुम्हारी मदद करने के लिए गया था, तुम ही नहीं समझे, मैं मुखिया बनकर तुम्हारे पास मदद करने गया था, मैं आपके पास मेडिकल टीम डॉक्टर बनके मदद करने गया था, मैं हेलीकॉप्टर से तुमको रेस्क्यू करने गया था, लेकिन तुम तो समझे ही नहीं कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैंने तुम्हें जिंदगी बचाने का बहुत मौका दिया लेकिन तुम समझे ही नहीं कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। और यह सुनकर साधु रो पड़ा। स्टूडेंट्स, मेरे डियर दोस्त, हो सकता है कोई लोग ऐसे लोग होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, स्टोरी को सुन रहे होंगे, और वो बिजनेसमैन होंगे, वो नौकरी करते होंगे या स्टडी करते होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, सबको जिंदगी मौका देती है, बस समझने की जरूरत होती है कि जिंदगी हमें मौका दे रहा है कि नहीं। भगवान हर किसी को मौका देते हैं। अब हम लोग ये नहीं आशा कर सकते कि भगवान मुकुट पहनकर, जैसे सीरियल्स में हम लोग को दिखते हैं आभूषण पहने हुए, चक्र लिए हुए, गदा लिए हुए, मुकुट पहने हुए, उस रूप में आकर हमें मदद करेंगे। भगवान इस रूप में कभी भी नहीं मदद करते हैं। भगवान हमेशा, जिंदगी हमेशा लोगों को मौका देती है संभलने का। ये क्या है, ये जो डॉक्टर्स लोग हमारी मदद कर रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, यही तो भगवान है हमारे,
ये पुलिस वाले लोग जो दिन रात लोगों को बोल रहे हैं कि एक दूसरे से दूर रहो नहीं तो वायरस फैल जाएगा, ये क्या है? ये तो भगवान ही है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो वो क्या है? आपके लिए भगवान ही तो हैं। भगवान कभी भी मेरे दोस्त मुकुट पहनकर आपको मदद करने नहीं आएंगे। आपको जिंदगी में हमेशा मौका मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट अभी क्लास टेंथ में होंगे और क्लास इलेवंथ में आए होंगे और उनको आईआईटी तैयारी करने का मन होगा, ये क्या है? जिंदगी मौका ही तो दे रही है आपको आईआईटी प्रिपरेशन करने का, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बाद भी जिंदगी में आपको कोई और मौका मिलेगा, आपको कोई नौकरी में कर दिखाने का मौका मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अपॉर्चुनिटी जो लाइफ में हम लोग को मिलता है, लेकिन हम लोग अगले मौके के लिए हमेशा तलाश में रहते हैं कि मुझे अगला मौका मिलेगा तब हम कुछ कर दिखाएंगे, अगला मौका मिलेगा तब हम कुछ कर दिखाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि जिंदगी हर किसी को मौका देती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्लास टेंथ में अभी गए होंगे तुरंत, और वो सोच रहे होंगे कि जिंदगी में मुझे अगर अगली बार मौका मिलेगा तो जिंदगी मैं कुछ करके दिखाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में आप हैं, आपके लिए यही मौका है आपको कुछ कर दिखाने का, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का या कोई कंपटीशन को क्वालिफाई करने का। शाहरुख खान का वो सुनते हैं डायलॉग जिसमें वो हमेशा बोलते हैं कि मैं किसी भी काम को जब भी कभी करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इस काम को इस तरीके से करूं कि आज के बाद ये काम दोबारा करने का शायद हमें मौका ना मिले, इसलिए जितना भी मेरे अंदर एनर्जी है, जितना भी क्वालिटी है, वो पूरा का पूरा मैं इस काम के अंदर झोंक दूं। तो जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें, ऐसे करें कि यह काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद यह काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। सो डू इट विद दैट काइंड ऑफ डिलीजेंस। स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी काम मिला है उस काम को खूब बढ़िया से कीजिए और उसमें टॉप बनने का, उसमें टॉपर बनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यही जिंदगी आपको मौका दे रही है। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है और भगवान कभी भी मुकुट पहनकर हम लोग को मदद करने नहीं आते हैं। हम लोग के मम्मी पापा जो हम लोगों को सारी सुविधाएं देते हैं, खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, वो क्या है हमारे लिए? वो भगवान ही तो है। भगवान कभी भी मुकुट पहनकर हेल्प करने नहीं आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप इस बात को, आई होप दोस्तों कि आप इस बात को समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इस समझ गए होंगे तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस स्टोरी से आपको जिंदगी में क्या सीख मिला, क्या सीखे आप इस स्टोरी से, आपको क्या समझ में आई इस स्टोरी का मतलब। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, और अगर मुझे लगा कि आपके कमेंट में दम है तो अगले स्टोरी में आपको क्रेडिट भी मैं दूंगा। और लास्ट स्टोरी को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जिन्होंने लास्ट स्टोरी का बिल्कुल दमदार आंसर बताया था कॉमेंट बॉक्स में कि वो लास्ट स्टोरी से क्या सीखे, उनका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और यह स्टोरी लोगों को समझाइए, और अगर स्टोरी और भी ज्यादा अच्छा लगा तो इसके लिंक को जरूर दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और याद रखिएगा, जिंदगी सबको मौका देती है। मिलते हैं आपसे अगले स्टोरी में अगले सैटरडे को। जय हिंद, वंदे मातरम।